मंदिर की लुकिंग पहले थोड़ी सी अलग थी, लेकिन अभी उसी पत्थर पर लिखा गया था वासु सपना। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सन 1981 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म एक दूजे के लिए की शूटिंग लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म के गाने तो आपने शायद ज़रूर सुने होंगे। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए थे, इसका एक गाना तो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, तो ये वाला गाना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। तो फिलहाल अभी हम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले में हैं, और विशाखापट्टनम से करीब 25 किलोमीटर दूर एक बीच है जिसका नाम है गंगावरम बीच। तो देखिए ये यहाँ की शानदार लोकेशन है। तो फिलहाल अब हम वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर एक टेंपल है, इस वाले टेंपल को आपने फिल्म में ज़रूर देखा होगा। वाओ, जी कर रहा है इसको देखता ही रहूं। देखिए आज हमारे साथ हैं रामराज भैया और नंबरदार मजा आ रहा हूँ ना रो संख, दिस इज संख। हाँ संख भी बोलते हैं, सीप भी, ये तो संख है भाई, ये लेकिन छोटा है और इनको सीप बोलते हैं। देखिए भाई साहब मछली निकाल रहे हैं समुद्र में से, देखो देखिए मुझे लगता है थोड़ी छोटी छोटी मछली आई है पकड़ में। देखिए फिलहाल हम वहाँ पे थे भाई साहब जो मछली पकड़ रहे हैं ना, तो वहाँ से ऐसे होके आए हैं यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे वो सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर फिल्म के आखिरी के कुछ सीन शूट किए जाते हैं। हीरोइन जो है साइकिल से आती है तो वो अपनी साइकिल यहीं पे कहीं खड़ी करती हैं, लेकिन जब हमने फिल्म देखी थी तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे शायद कोई रोड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे छोटा सा एक छोटी जगह है, देखिए यहाँ से और थोड़ा यहाँ तक करीब 30-40 फीट की जगह होगी, लेकिन फिल्म में ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई लंबा रोड है जो इधर से आके इधर निकल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हीरोइन मंदिर की तरफ जाती हैं, और हम भी अब ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर वो मंदिर देखेंगे, और मंदिर देखने के बाद मंदिर के पीछे से रास्ता है, तो पीछे वो सारी चट्टान है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हुई थी। और मेरे पीछे आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पे एक स्टील प्लांट है, पहले ये कुछ नहीं था यहाँ पे, जब फिल्म शूट हुई थी तो उस समय कुछ नहीं था, अभी जैसे जैसे समय निकल रहा है चीज़ें बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है। आइए वो थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत के बाद फाइनली हम मंदिर तक पहुंच गए हैं, और मंदिर से नीचे का जो सीन है वो इस प्रकार का बनता है। देखिए वहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की है, और यहाँ पे ये पूरा प्लांट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे कंक्रीट पड़ी हुई है और पूरा ब्लैक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर कुछ रेल की पटरी जैसा दिखाई दे रहा है, और ये इधर स्टील प्लांट है, और ये मंदिर का मेन गेट। मंदिर की लुकिंग पहले थोड़ी सी अलग थी, लेकिन अभी यहाँ उतार दें जूते। टेंपल अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क। हाँ तो बना लेंगे वीडियो, क्या दिक्कत आ रही है। जय हो ठाकुर जी। अभी इसमें ना काम चल रहा है भाई साहब। ये भैया हिंदी आता आपको? ना। ये मंदिर के टेंपल कौन सा है? मालूम नहीं टेंपल। कौन सा? माधव स्वामी महालक्ष्मी। ओके मालूम नहीं तो बोल रहे हो हिंदी में, कह रहे हो हिंदी नहीं आता। चलिए ठीक है, जैसे मुझे लगता है यहाँ बाहर से ही जाना पड़ेगा पीछे की तरफ, तो है ना, इसको नहीं पता है अंदर से तो कोई जगह है नहीं बाहर निकलने के लिए, तो इसमें माधव स्वामी का मंदिर है, ये काम चल रहा है। चलिए बाहर से दिखाते हैं आपको। मंदिर की लुकिंग पहले थोड़ी सी अलग थी, लेकिन अभी लुकिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है, और अभी भी जैसा कि आपने देखा काम चल रहा है इसमें। तो ये लोकेशन है, अभी तो भाई साहब के हाथ में है मोबाइल, तो मैं आपको पूरा चारों तरफ से घुमा के एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे और भी आगे की तरफ। देखिए ये पूरा स्टील प्लांट जो मैंने आपको भी दिखाया था, और ये मंदिर, और ये पूरा एरिया मंदिर का, और ये हमारा नंबरदार
कमर के हाथ लगा खड़ा है, कमरिया लचके। यहाँ पे लोकेशन इतनी शानदार है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। देखो वैसे तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर यहाँ से पैर फिसल जाए ना तो बंदा सीधा समुंदर में। और फिल्म के एंड में भी आपने देखा होगा, कमल हासन और रति अग्निहोत्री दोनों हीरो हीरोइन समुंदर में गिर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। फिल्म के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक न्यूज़ आई थी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस समय कई प्रेमी प्रेमिकाओं ने सुसाइड कर लिया था फिल्म को देखने के बाद। तो सरकार ने इस फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारे सुसाइड केस आ चुके थे सामने। देखो आपको वो चट्टान कह सकते हैं, पत्थर शिला दिख रही है आपको, उसी पत्थर पर लिखा गया था वासु सपना। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है यार, पत्थर जो है एकदम ऊपर रखा हुआ है और पता नहीं कौन से ज़माने का रखा हुआ है और अभी तक ये पत्थर ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। और भाई साहब फ़िलहाल मैं बहुत ज़बरदस्त हाइट पे हूँ, जब नीचे देख रहा हूँ ना मेरी सांस थम जाती नीचे देखने का, तो थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। नीचे जाने का रास्ता यहाँ से मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। भाई साहब थोड़ा स्लोली स्लोली स्लोली। तू वहीं बैठे रही जो वहाँ तक उतरी हो मत, ठीक है? वहीं पत्थर फेंक ले तू समुंदर में। मेरे को वहाँ तक जाना है और रास्ता मुझे कहीं से दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी गहरी खाई है, और अगर मैं बात करूँ अरे यहाँ से भी जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्या बताएं आपको, उधर से देखता हूँ। यहाँ से जाना मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये रास्ता और दूसरे रास्ते के बजाय बेहतर है। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बियर की बोतल पी के यहीं तोड़ जाते हैं यार, शीशे पड़े हैं यहाँ पे। अरे यार ये रास्ता शायद पानी ने बनाया है बरसात के मौसम में। वाह कि गजब की लहरें उठ रही। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। यार कोई नगमा कहीं गूंजा। देख रहे हो कितने ऊपर से आ रहे हैं हम। इस लोकेशन को नज़दीक से देखने के लिए ही तो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। वाह यहाँ पे ना ऐसा सीन बन रहा है जैसा सीन मैंने, अरे भाई केकड़ा, ओ भाई साहब खतरनाक भाई, ओ भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा केकड़े हैं यार मेरी तो भाई साहब। हाँ सांस थम गई यार, ये तो बड़े खतरनाक केकड़े हैं, और एक नहीं तो भाई साहब कई सारे थे। ये शायद समुद्र के पानी में यहाँ पे आते हैं और पत्थरों पे चिपक जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ मुझे टाइम से ही मालूम पड़ गया यार, अगर भाई साहब केकड़ा खा जाए ना तो दिक्कत तो हो सकती है। हाँ मैं ये कह रहा था कि ऐसा सीन लास्ट मैंने देखा था मुंबई में, वो जगह है ना हाजी अली दरगाह, तो वहाँ पर ऐसा सीन बनता है, ऐसे ही पत्थर रखे हुए हैं वहाँ पर भी समुद्र के पास में। ये देखो ये सलाह देखो भाई कितनी तगड़ी है यार। चलो हम उधर चलते हैं ऊपर। अब मेरे मोबाइल का कैमरा भी मुझसे आज नाराज है, कह रहा है कि यार तुम वीडियो तो बहुत कम बनाते हो, इसलिए आज इसने अधिकतर वीडियो को ब्लर कर दिया। अब मैंने इसको समझाया कि भाई वीडियो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की, लेकिन ब्लर मत किया करो यार। तो चलिए अब चलते हैं हम ऊपर। पत्थर तो दिखना बंद हो गया यहाँ से यार। अब बताओ भाई लोकेशन कैसी है। यहाँ आने में वैसे तो खैर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मज़ा यहीं पे आके आया है।
और भाई साहब डर भी यहाँ से जबरदस्त लग रहा है। तो ये है वो पत्थर भाई साहब, इसके लिए हम आए इसको नजदीक से देखने के लिए और आपको स्पेशली दिखाने के लिए कि इस पत्थर पर लिखा गया था वासु सपना और उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा गया था। देखिए इस पर भी पेंटिंग हो रही है। ओ भाई चील उड़ रही है यार, देखो। वैसे आज के टाइम पे चील चील जिसको बाज भी बोलते हैं शायद देखने को बहुत कम मिलते हैं। वैसे इस पत्थर को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम इसमें एक हाथ से धक्का मार दें तो ये पीछे की तरफ गिर सकता है, लेकिन भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं कौन से टाइम से यहाँ पर टिका हुआ है और ये टिक कैसे रहा है भाई। इसका पूरा झुकाव जो है इधर साइड में है, नीचे की साइड में, लेकिन फिर भी ये टिका हुआ है, ये एक अजीब बात है। चलिए एक बार यहाँ से चारों तरफ की लोकेशन देख लेते हैं। फिल्म की दो लोकेशन आपने आज के इस वीडियो में देखी, एक तो मंदिर वाला सीन और एक ये पत्थर वाला सीन। जो कि पत्थर वाला सीन तो खैर बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है फिल्म में, इसी पे लिखा गया था वासु सपना, उनके प्रेम की कहानी लिखी गई थी पत्थर पे। तो फिल्म में जो है ऐसा बताया गया था कि वासु का और सपना का जो घर होता है वो गोवा में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका घर भी यहीं पर है, विशाखापट्टनम में ही एक जगह है यहाँ पर लाइट हाउस, तो वहाँ हम जाने वाले, वहाँ का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। यार ये चील कैसे इस सर पे मर रहा मेरे भाई, हाँ क्या चक्कर है भाई। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अभी हम यहाँ से आगे जाके करीब 24-25 किलोमीटर आगे है लाइट हाउस, जो कि विशाखापट्टनम की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अधिकतर मतलब ट्रेन वेन गुजरती हैं तो उन पे भी जो लोगो लगा होता है विशाखापट्टनम को, तो लाइट हाउस लगा होता है। तो वहाँ हम जाएंगे और वासु सपना का घर देखने की कोशिश करेंगे और मेरे साथी लोग जो हैं मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे पहले, लेकिन ढूंढते ढूंढते फिर से ऊपर आ गए। इनको लगा कि बहुत देर हो गई, बंदे को पता नहीं इसकी भी प्रेम कहानी इसी में तो ना डूबी समुंदर में गई। ऊपर क्यों आ रहे हो, मैं आ रहा हूँ नीचे ही, चलो हो गया मेरा यहाँ का एंड। बाबू वहाँ चलेंगे ना, अब लाइट हाउस चलेंगे, अब चलो नीचे ही, अभी आ रहा हूँ मैं 5 मिनट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं लाइट हाउस जाने के लिए टाइम नहीं, लेकिन देखता हूँ मैं, आई विल ट्राई अगर हो पाता है तो उनको जल्दी। यार एक तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, यहाँ पे हम आके पहुँचे थे 10:30 बजे, यार 10:30 बजे पहुँचे थे, 11:30 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ है बस। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।